यहाँ पर अगर हम ये कहेंगे तो हिंदू मुस्लिम और गंगा जमुनी तहजीब ये पहले से ही चलती आई जी। जो ये लोग जो हिंदुत्व को प्रेजेंट करते हैं उसी तरह से ये हिंदू धर्म है नहीं। हमारे हिंदू भाई इस चीज को समझते हैं, वो पुरखे का समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कि उनका मजहबी कल्चर है, लेकिन जो इनका राजकारण करना चाहते हैं, देखिए इतनी नीचे लेवल की बीजेपी की सोच चली गई है कि इन्होंने एजुकेशन संस्थाओं तक राजकारण को लेकर आया हुआ है। जो विद्यार्थी जहां से देश बनता है उस देश के नौजवानों के जहनों के अंदर इन्होंने जहर पैदा करने का काम। नफीस भाई आपके लीडर ये कह रहे हैं मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला हूँ, मेरा रंगरेज की आवाज इसके चैनल ये पूछना चाहता है आपसे, क्या हिंदू लीडर होना चाहिए या तो बाहर चले जाइए? आज तो यहाँ पे इस्लाम की शहजादी के साथ जुल्म हो रहा है, क्यों अबू आसिम आजमी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आपके लीडर आवाज क्यों नहीं उठा रहे इसके ऊपर नफीस भाई? देखो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हमारे अबू आसिम आजमी साहब का आज ही हमको एक मैसेज आया, उनका आदेश है कि 11 तारीख को कर्नाटक की सरकार के खिलाफ में प्रोटेस्ट करें और उसका जहर निषेध करें। निषेध करने से क्या वो हट जाएगा? उस पर पूरे ये भारत की बेटी है, कोई कर्नाटक की बेटी नहीं है। शहजादी जो है इस्लाम में शहजादी की जो बेटियां है वो पूरे भारत की बेटियां है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि मुस्लिम बहनों के साथ हमारा विकास करेंगे, उनकी मदद करेंगे। हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या आप इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहते हैं? कड़े से कड़े एक्शन क्या लेना चाहेंगे समाजवादी पार्टी? जनाब अबू आसिम आजमी साहब का हमको आदेश आया 11 तारीख को हम जलगांव शहर के अंदर और पूरे बुलढाणा जिला के अंदर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखकर भारतीय जनता पार्टी हर अपने कामों को नाकाम और फेल हो चुकी है। कर्नाटक सवाल हो रहा है क्या दानी साहब, आप तो पूरे कौमी मिल्लत की फिक्र लेके घूम रहे हो, पूरे कौमी मिल्लत की फिक्र लेके घूम रहे हैं क्या? MIM का अभी तक ये 4-5 दिन से ये लपड़ा चल रहा है, ये सारी न्यूजों पे बताया जा रहा है कि एक तो एक जगह ना समाजवादी पार्टी से आया है, ना कोई एक MIM पार्टी से आया, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की बात तो छोड़ ही दीजिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को वोट लेने के लिए है, लेकिन आप तो गौर फिक्र करने वाले। साबिर भाई शायद आपको पता नहीं, सबसे पहले इसकी आवाज संसद में उठाने वाली शख्सियत का नाम इम्तियाज जलील है, जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को संसद में उठाया कि कर्नाटक के अंदर जो हमारी इस्लाम की शहजादा जो हिजाब के अंदर रहकर इल्म हासिल करना चाहती है, उनको ये भगवाधारी सरकार RSS मनोवादी विचारधाराओं की सरकार, उनको ये तकलीफ है कि मुस्लिम समाज की लड़कियां भी पढ़ रही है तो उनको किस तरह से रोका जाए। ये तो हमारा मुकाबला कोई भी इतवार से हर चीज में कर नहीं सकते। जब तालीम के मेयार के अंदर जब हमारी लड़कियां आके पढ़ना चाहती है तो उनको किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए, किस तरह से उनको रोका जाए, ये इनकी साजिश है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि उन्होंने जो जज्बे से जो उनका आजाद किया था वो जंग जीत चुके। हाई कोर्ट ने ये आज आदेश दिया कि उनको उनके हिजाब के तहत आर्टिकल जो उनको उनके हिजाब के तहत आर्टिकल जो के अंदर जो आर्टिकल उनको इजाजत देता है अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजार के वो उस तरह का पहनावा करना, वो केस जीत चुकी है हाई कोर्ट से और उनको एक कोर्ट का कॉलेज को ऑर्डर भी आया है कि इन लोगों को अलग से बैठना दिया जाए, लेकिन उसके खिलाफ एक रिपिटिशन दाखिल होने वाला है। मेरा आपके माध्यम से उन सेकुलर लोगों से जवाब चाहिए मेरे को, उन सेकुलर पार्टियों से, कि जब हम 2016 या 2017 के अंदर कर्नाटक में जब चुनाव लड़ने का फैसला, आप तो युवा नेता है, आप तो नौजवानों के नेता है, आप छात्र संगठन के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, आप इनके साथ जुल्म हो रहा है क्या? सैयद रहीम साहब शेर भारत भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वो संविधान है जो हमें संविधान से जीने का अधिकार दिया है, सभी धर्म के लिए दिया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख है, ये मुसलमानों के लिए क्यों? और ये संविधान को तार-तार करने वाला काम है, तो आप में तमाम मेरे जितने भी पार्टियां के लोग हैं, क्या आप इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहेंगे? सिर्फ आपको 1 मिनट के अंदर तीनों को जवाब देना है। पहले तो मैं घटना का निषेध करता हूँ आजाद समाज पार्टी की तरफ से। संविधान रक्षक के नाम से जाने जाते हैं, हमेशा संविधान की बात करते हैं, क्योंकि और आने वाले राज्यों के चुनाव के ऊपर इस बीजेपी सरकार को कुछ मुद्दा नहीं है, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं तो हिंदुत्ववाद की तरफ लेकर जाना है। मजम्मत करता हूँ, मैं विरोध करता हूँ, निषेध करता हूँ। क्या आप निषेध करते हैं?
बिल्कुल हम समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको निषेध करते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर हारती हुई नजर आ रही है, इसलिए हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। क्या दानिश भाई सही बात है? अरे हम तो जाहिर निषेध भी कर चुके हैं, रोड पर भी कर चुके हैं, रहवाने पार्लियामेंट के अंदर भी कर चुके हैं। अब हमारा अगला स्टेप ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि उनको आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, एमआईएम पार्टी सब एकजुट। पार्टियां हमारी अलग अलग हो सकती है लेकिन इस्लाम की शहजादियां अलग नहीं हो सकती है। तो आज हमारे साथ थे समाज आजाद समाज पार्टी के जो शहर अध्यक्ष है हमारे बड़े भाई सैयद रहीम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और समाजवादी पार्टी से हमारे जलगांव से हमारे बड़े भाई सैयद नफीस साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे रंगरेस की आवाज़ में हिस्सा लिया है, बोलचाल में हिस्सा लिया है। दानिश साहब एक छत्र अध्यक्ष महाराष्ट्र के नौजवानों के अध्यक्ष हैं, आपका भी दानिश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ इस तरीके से जुड़े रहेंगे और समाज के गरीब तबकों की आवाज़ बनकर हमारे रंगरेस की आवाज़ में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद, जय संविधान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।